सो लास्ट हम बेसिक करेक्टर ऑफ एरोमेटिक अमाइंस पढ़ रहे थे, अब बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस में कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं। पहले हम बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस की अगर हम बात करें तो अमाइड का बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस एंड अमाइन। तो अमाइड की अगर हम बात करते हैं, अगर आपको दे रखा है CH3CO NH2 और एक दिया हुआ CH3CH2NH2, इन दोनों में से कहा जाए भी किसका बेसिक करेक्टर ज्यादा है, तो आप जनरली देखेंगे जो अमाइंस का बेसिक करेक्टर है वो अमाइड से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो एक चीज मैं बता देता हूं। जैसे कि आपने एनिलीन एरोमेटिक कंपाउंड के केस में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाते हैं, तो नाइट्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, वो तो क्या होगी, डीलोकलाइज हो गई ना। तो अगर मैं लेता हूं CH3C डबल बॉन्ड O NH2 और CH3CH2NH2, तो इसका जो बेसिक करेक्टर है वो कम किस वजह से हो रहा है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोनिल कार्बन है और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डीलोकलाइज हो जाएंगे, तो इसका बेसिक करेक्टर क्या होगा, कम होगा। इसमें कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं दे रखा, क्योंकि नेक्स्ट क्या है, कार्बन दे रखी आपको और कार्बन भी कैसी sp3 हाइब्रिडाइज, तो इसमें क्या हो सकता है, डीलोकलाइजेशन हो सकता है, इसमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, लेकिन इसमें नो डीलोकलाइजेशन। तो इससे क्लियर हो गया कि इसका बेसिक करेक्टर क्या होगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन वो क्या रहेंगे, लोकलाइज रहेंगे, यानी कि इसी नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं रहेंगे। जब डीलोकलाइज नहीं हुए तो इसका फायदा क्या होगा, जो इसका बेसिक करेक्टर वो क्या हो जाएगा, इसका जो बेसिक करेक्टर है वो रहेगा कम, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गए, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हो पाए। इसे एक चीज और आप कह सकते हैं कि अगर आप जनरली अमाइड में जो बेसिक करेक्टर है वो अमाइन से क्या होगा, कम ही होगा, क्यों कम होगा, बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस मोर देन अमाइड ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अमाइड। जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या हो जाते हैं, डीलोकलाइज हो जाते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे तो इसका बेसिक करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका बेसिक करेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो जो कोई कुछ पॉइंट्स आपने देखे हैं इसमें भी, किसका बेसिक करेक्टर ज्यादा होगा, किसका बेसिक करेक्टर क्या होगा, कम होगा, तो वो पॉइंट सब आपको क्लियर हो गए। डीलोकलाइजेशन का क्या मतलब, तो अब बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस की बात कर रहे थे हम, एरोमेटिक में बात कर रहे थे, तो यहां पर मैं बता रहा था कुछ चीजें आपको मुझे बतानी है कि क्या क्या चीज एक्चुअल होती है। पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट काम करता है किसके अंदर, फिलहाल हम एनिलीन के केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर एनिलीन की ही बात करेंगे। ऑर्थो इफेक्ट एक जगह और भी होता है बेंजोइक एसिड में, उसकी बात हम जब एसिडिक करेक्टर पढ़ेंगे तब कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम एनिलीन के बेसिक करेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ एनिलीन की बात कर रहे हैं। तो ऑर्थो इफेक्ट में एक्चुअल में होता क्या है, एनिलीन के ऑर्थो इफेक्ट में ऐसा क्या होता है, अगर आपको मैं कंपाउंड दू NH2 और एक कंपाउंड दू मैं आपको NH2CH3 और आपसे कहा हूं कि भाई ये बताओ इनमें से किसका बेसिक करेक्टर ज्यादा होगा, तो आप मेरे हिसाब से एक सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगेंगे बताने के लिए कि इसका बेसिक करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। आप मुझे फिर रीजन बताने लगेंगे कि सर ये पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करता है, जब ये पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करता है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो बेसिक करेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये माइनस आई इफेक्ट कर रहा तो ये इस कार्बन से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन इस वाले केस में यहां पर कोई ऐसा ग्रुप है नहीं, CH3 ग्रुप है नहीं, तो CH3 ग्रुप है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की बढ़ेगी कैसे, और जब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ी तो सीधी सी बात क्या है कि इसका बेसिक करेक्टर क्या रहेगा, फिर उस वाले केस में इसका बेसिक करेक्टर क्या होगा, इसके कंपेयर में कम रहेगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव आई इफेक्ट की वजह से बेसिक करेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा।
लेकिन जब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं, यानी मैं यहां पे एनिलिन ले लूं और यहां पर मैं ले लूं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन, यानी कि जिसे हमने बताया था, ऐसे हम कह सकते हैं ऑर्थो टॉलिडाइन, ये खाली एनिलिन हो गया जिसका बार बार नाम जपे जा रहे हैं, इसका नाम क्या है ऑर्थो टॉलिडाइन होगा इसका नाम। और आप मुझसे कह सकते हैं सर इन, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई इन दोनों में किसका बेसिक करेक्टर ज्यादा है, तो आप भी ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, एक सेकंड से ज्यादा, तो तुरंत मुझे बताएंगे सर जब इसमें सी एस थ्री ग्रुप है ये पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगा इसका बेसिक करेक्टर क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, और इसका बेसिक करेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फिर एक पॉइंट समझ में, जब बेसिक करेक्टर आप जो बात कर रहे हैं इसका बेसिक करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट शो कर रहा है, ये से इलेक्ट्रॉन देता जा रहा है, जाता रहा है क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट की वजह से, इसका बेसिक करेक्टर क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहीं पर फिर आप कहेंगे सर फिर इसमें और मतलब कि आप क्या बता रहे हो ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट हमें तो कुछ समझ में आया नहीं कि ऑर्थो इफेक्ट होता क्या। तो मैं एक चीज आपके सामने क्लियर कर देता हूं, जो आपने बताया है वो क्या है गलत। तो आप कहेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया, क्यों आपने ये पॉइंट हमारे सामने रख दिया कि इसका बेसिक करेक्टर मतलब कि ये गलत है, इसका बेसिक करेक्टर ज्यादा होगा। तो ये चीज मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं, ये भी तो क्या है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट किस तरह से काम करता वो समझिए, जब हम ऑर्थो इफेक्ट की बात करते हैं तो कुछ चीजें हमारे सामने आएंगी वो समझनी आपको पड़ेगी। क्या क्या चीजें आएंगी वो जरा मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जो NH2 ग्रुप आपको दे रखा था, हाँ भी NH2 ग्रुप था, अगर मैं इस वाले केस का एग्जांपल लेता हूं, यानी एनिलिन का एग्जांपल लेता हूं, आप आराम से करेंगे इस रिएक्शन को, आप यहां पे क्या लिया एसिड ले लिया और ये क्या ले लिया बेस, जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बना देते सॉल्ट बना देते, तो हमारे सामने जो ये रिएक्शन आएगी NH3 पॉजिटिव आ जाएगी, सॉल्ट बन गई। और आप जानते हैं ब्रोंस्टेड एसिड बेस की थ्योरी आपने बार बार पढ़ रखी है कि भाई बेसिक टेंडेंसी क्या होती है प्रोटोन एक्सेप्ट करना होता है, लेकिन यहीं पर एक गड़बड़ हमारे सामने आ जाएगी। क्या गड़बड़ सामने आएगी सर, फिर इसमें क्या ऐसा होगा कि ये बेसिक करेक्टर इसका ज्यादा होना चाहिए तो इसका कम कैसे रहेगा, तो मैं आपको समझाता हूं। इसका बेसिक करेक्टर इस वजह से ज्यादा होगा, एनिलिन का ज्यादा क्यों और इसका कम क्यों, जब आप इसमें इस पॉजिटिव एंड डालेंगे तो होगा क्या कि एन एच 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 कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहां पे क्या है सी एस, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं। एच एच इसमें एंगल को क्या मान लो आप अल्फा मान लो, और इस वाले का इसमें अगर हम बात करते हैं इस वाले को क्या मान लो बीटा, बीटा जो एंगल है वो अल्फा से क्या रहेगा ज्यादा रहेगा क्योंकि यहां तो लॉन पेयर, और लॉन पेयर लॉन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल क्या रह जाएगा इसमें कम, इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा ज्यादा क्योंकि जो लॉन पेयर थे वो तो एच पॉजिटिव ने ले ली, इसके जो लॉन पेयर थे नाइट्रोजन के वो तो एच पॉजिटिव ने ले ली, उसमें तो लॉन पेयर है। तो होता क्या है कि एक्चुअली जब एच पॉजिटिव इसके साथ अटैच होगा तो यहां पर होगा स्ट्रिक हिंड्रेंस ड्यू टू द इंक्रीज इन एंगल, ड्यू टू द इंक्रीज इन एंगल ऑफ अमाइन ग्रुप इन ऑर्थो टॉलिडाइन बेसिक करेक्टर डिक्रीज एंड द रीजन बिहाइंड इट इज द स्टिरिक हिंड्रेंस। रीजन क्या है इसके बारे में, मतलब स्टिरिक हिंड्रेंस या क्राउडिंग हो जाती है तो यहां पर स्टेबिलिटी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। फिर एक बार बताने की कोशिश करता हूं, अल्फा का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है कम है क्योंकि यहां पर क्या है लॉन पेयर, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल क्या होगा कम होगा। यहां पर वो जो लॉन पेयर था वो किसने ले लिया एच पॉजिटिव ने ले लिया, जब एच पॉजिटिव ने लॉन पेयर ले लिया तो उसमें किस चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो गया इंक्रीज हो गया, और जो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होने की वजह से स्ट्रिक हिंड्रेंस हुई, फिर पास पास आई हाइड्रोजन और सी एच थ्री क्या आ गया पास पास आ गया, और पास पास आने की वजह से इनमें क्या हुआ और ज्यादा रिपल्शन हुआ, और रिपल्शन होने की वजह से स्टेबिलिटी क्या होगी डिक्रीज। तो ये इतनी जल्दी एच पॉजिटिव आयन नहीं लेना चाहता, और तो सब्स्टिट्यूटेड जो एनिलिन होता है और तो सब्स्टिट्यूट अगर और तो पोजिशन पे सी एस थ्री ग्रुप है, तो हम अगर ये समझ रहे हैं कि इसका जो बेसिक करेक्टर है वो क्या रहेगा, इसका जो बेसिक करेक्टर वो क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ड्यू टू द स्ट्रिक हिंड्रेंस लेस स्टेबिलिटी हो जाएगी मोर रिपल्शन होगा इसके बीच में, आप लिख सकते हैं इन दोनों बीच में क्या आ जाएगा
more repulsion. ठीक है जी. तो एक पॉइंट मैंने आपने को क्लियर कर दिया, ऑर्थो टॉलीडाइन इज लेस बेसिक कंपेयर टू एनिथिंग ड्यू टू द मोर स्ट्रिक हिंड्रेंस. तो ये पॉइंट अब आपके सामने क्लियर हो गया होगा कि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से जो ऑर्थोटॉलिडाइन होती है वो क्या हो जाएगी, लेस बेसिक हो. तो ये पॉइंट क्लियर आ गया होगा आपके सामने, जबकि होना इसे ज्यादा चाहिए तो बेसिक, लेकिन होता कौन है, एनिलिन ज्यादा बेसिक होता है. अगर मैं बात करूं NH2CH3, अगर मैं इसकी बात करता हूं OHCH3, मैं फिर भी बात करता हूं OHCH3 ऑर्थो मेटा और मैं कहूंगा इनकी बेसिक करेक्टर का ऑर्डर बताओ. तो एक चीज बता देता, जो CH3 ग्रुप पॉजिटिव आई और पॉजिटिव एच इफेक्ट शो करता है, पॉजिटिव आई पॉजिटिव एच इफेक्ट शो करता है, पॉजिटिव आई और पॉजिटिव एच इफेक्ट शो करता है, लेकिन मेटा पोजिशन पर, एट मेटा पोजिशन नो हाइपर कंजुगेशन. एच का मतलब क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन. मेटा पोजिशन पर कोई भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होता. तो इसलिए मैं सिर्फ कौन सा फैक्ट लिखा, प्लस है. अब आप एक चीज मेरे सामने कह सकते हैं, सर एक बात बताओ, तो फिर सीधी सी बात हुई, इसमें तो दो इंक्रीज का वाले ग्रुप लग रहे हैं, मतलब इंक्रीज वाले इफेक्ट लग रहे हैं, पॉजिटिव आई पॉजिटिव एच, लेकिन इस वाले केस में सिर्फ पॉजिटिव आई लग रहा है, तो सीधी बात इसका बेसिक करेक्टर इससे क्या होगा, ज्यादा. लेकिन नहीं, इसका बेसिक करेक्टर इससे भी क्या होता है, कम होता है. और रीजन क्या है इसका, ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट. अब आप कहेंगे भाई सीधी सी बात, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, अगर बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करते हैं, तीनों में NH2 ग्रुप लेने हैं आपको, वो अलग पॉइंट हो गया. तो NH2 ग्रुप लेने हैं अगर आपको, तो यहां पर कौन सा ग्रुप लगेगा, यहां पर लगेगा ऑर्थो इफेक्ट. बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो मैंने भी बताया, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और वो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इसका बेसिक करेक्टर इससे भी कम हो जाएगा, जहां हाइपर कंजुगेशन भी काम कर रहा था तब भी इसका बेसिक करेक्टर क्या होगा, कम होगा. ये है ऑर्थो इफेक्ट की पावर. यानी सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर किसका रहेगा, पैरा वाले का. आप कहेंगे यहां पर क्यों नहीं लग सकता हाइपर कंजुगेशन, ऑर्थो इफेक्ट. तो एक चीज समझिए, इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, मोर डिस्टेंस. तो आप क्या कह सकते हैं, नो ऑर्थो इफेक्ट. ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से कोई भी ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करेगा, ठीक है ना. तो ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करेगा, तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से जो बेसिसिटी होती है हमारी इसकी, वो कम हो जाती है, ठीक है ना. तो एक चीज ले सकते हैं, ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइंस, एरोमेटिक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस डिक्रीज.
ठीक है, सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर किसका रहेगा? पहला का। तो आप बेसिक से ऑर्डर में लिख सकते हैं, फिर किसका रहेगा? मेटा, फिर किसका रहेगा? तो इसका बेसिक करेक्टर, जिसका बेसिक करेक्टर कम होना चाहिए था उसका भी क्या हो जाता? ज्यादा हो जाता ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से वो क्या रहा है, जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन कह सकते हो आप, या एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हो, उसका बेसिक करेक्टर डिक्रीज हो जाता है। और रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसा क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट के अंदर बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा इस पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद, उसकी वजह से रिपल्शन हो जाएगा ऑर्थो ग्रुप के साथ, और उसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इससे अच्छा, इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता जो मैंने आपको बताया है। तो सबसे ज्यादा किसका आएगा? बेसिक करेक्टर आएगा पैराटोलिडिन का, फिर किसका आएगा? मेटाटोलिडाइन का, और फिर किसका आएगा? ऑर्थोटोलिडाइन। ये आपको मैंने चीजें ऐसी बता दी हैं कि बस बता ही दी। अगर हम बेसिक करेक्टर की बात करते हैं किसकी, अगर मैं एक ग्रुप ले लेता हूं CH3NH, एक ले लिया CH3, ऐसे लेते हैं CH3CH2NH2, एक ग्रुप ले लिया CH3CH2NH, और फिर ले लिया CH3CH2NH। तो सब जान बेसिक करेक्टर किसका हो गया? रीजन क्या ले सकते हो आप इसमें? मोर द एस करेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर क्या आ जाएगा? मोर बेसिक करेक्टर, मोर एसिडिक करेक्टर, सॉरी बेसिकली एसिडिक, मोर एसिडिक करेक्टर। तो इसमें इसके हाइड्रोजन क्या sp3, इसमें हाइड्रोजन क्या sp2, और इसमें क्या sp। तो बाकी आप सब जानते हैं, इसका एस करेक्टर ज्यादा है तो इसके एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा, और बेसिक करेक्टर क्या होगा कम। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, पॉइंट्स धुआंधार चलते जा रहे हैं, बेसिक करेक्टर आपको पता चलते जा रहे हैं किसका बेसिक करेक्टर क्या होगा ज्यादा होगा, किसका बेसिक करेक्टर क्या होगा कम। आगे मैं अगर बेसिक करेक्टर की बात करता हूं तो एक पॉइंट और भी आ रहा है मेरे मन में, जिसे आज सोच रहा हूं आपके सामने खोली थी। तो एक पॉइंट है CH3NO2, जब हम बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस की बात कर रहे हैं तो हमें बेसिक करेक्टर जो जनरली देखना है वो इस NH2 ग्रुप का देखें, जो कुछ इफेक्ट पड़ेगा इस NH2 ग्रुप के इफेक्ट पड़ेगा, दोनों में NH2 ग्रुप है तो इसका तो मतलब और किसी में इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि जितना इफेक्ट पड़ेगा इसका वो भी इस पे, मतलब की दोनों का बराबर इफेक्ट पड़ेगा, हावी NH2 हावी NH2, तो NH2 का इफेक्ट क्या है सेम। अब बात आती है बाकी ग्रुप की, देखो बाकी NO2 का मेरे हिसाब से जो इफेक्ट है वो हमारे लिए समझने वाला है, NO2 भी इसमें दोनों में और CH3 बस CH3 की पोजिशन चेंज है और सारा ड्रामा उसी का ही है। ये ड्रामा क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं, NH2 के ऊपर इफेक्ट देखने, NH2 की मेटा पोजिशन पर दो CH3 ग्रुप लगे हुए, तो एक चीज तो क्लियर है कि दोनों कौन से शो करेंगे, पॉजिटिव आई पॉजिटिव आई, पॉजिटिव एच शो नहीं कर पाएंगे, वो आप जानते हैं क्यों नहीं कर पाएंगे, पॉजिटिव आई पॉजिटिव एच क्यों नहीं शो कर पाएंगे, क्योंकि मेटा पोजिशन पर काम नहीं करता मैं हाइपर कंजुगेशन और ना ही मीसोमेरिक इफेक्ट यानी रेजोनेंस, रेजोनेंस काम नहीं करता मेटा पोजिशन पर, ठीक है। NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता, माइनस आई माइनस, या M भी लिख सकते हो अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है M, तो आप R की जगह पे M भी लिख सकते हो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको M भी लिख के दिखाता हूँ इसमें M भाग, ठीक है। अब चीजें हमें जो समझनी है वो चीजें ही तो समझनी है एक्चुअली, अगर हम चीजें देखें, देखो यहां पर टक्कर दोनों में बराबर है तो टक्कर से दोनों खुश है, इसकी टक्कर बराबर की, लेकिन यहां पर टक्कर थोड़ी सी हल्की पड़ रही है इस वाले की टक्कर क्या पड़ रही है, भारी पड़ रही है, कैसे भारी पड़ रही है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव इफेक्ट शो कर रही है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव कर रही है,
ये पॉजिटिव एच भी कर रही है लेकिन ये पॉजिटिव एच तो नहीं कर रही। आप तुरंत मुझसे ही कहेंगे सर देखो अब तो खेल खेल दिए ना कि इसका बेसिक करेक्टर कम हो गया, इसका बेसिक करेक्टर क्या हो गया ज्यादा। अब तुरंत कहेंगे सर इसका आंसर ये आएगा कि इसका बेसिक करेक्टर क्या हो गया ज्यादा और इसका क्या हो गया कम। मैं तुरंत ये कहूंगा कि आंसर क्या है गलत। आप कहेंगे सर सारे तो रूल लगा दिए हमने, वही रूल के अकॉर्डिंग तुमने देखा तो इसका बेसिक करेक्टर क्या रहा था, कम आ रहा था, इसका बेसिक करेक्टर क्या रहा था ज्यादा आ रहा था, और कौन सा रूल लगाए, अब कौन सा रूल आ गया इसमें। अब आप कहेंगे सर ऑर्थो इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑर्थो इफेक्ट तो इसमें काम कर सकता है, कर सकता भी ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं कर सकते, इसमें ऑर्थो इफेक्ट भी काम कर सकता है क्योंकि एच पॉजिटिव आयन अगर आपने इसमें लगाया, अगर आप इसमें एच पॉजिटिव आयन लगाते हैं तो एच पॉजिटिव आयन को यहां पर अटैक करने में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी क्योंकि दोनों साइड से क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम। लेकिन ऑर्थो इफेक्ट से भी ज्यादा एक इफेक्ट हमारे काम का है उसे भी मैं बता देता हूं जो और हमें इसके बारे में बताई। देखो ऑर्थो इफेक्ट तो क्लियर हो ही गया, ऑर्थो इफेक्ट आपको समझ में आ गया इसकी वजह से बेसिक करेक्टर क्या हो जाता है कम हो जाता है वो समझ में आ गया, रिपल्शन करेंगे। लेकिन एक इफेक्ट और बता देता हूं जो और चीजों को हमारी क्लियर कर दे, एस आई आर इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। ठीक है, ये होता क्या है एस आई आर इफेक्ट वो मैं आपको समझाने को। देखो जब मैं रेजोनेंस आपको सिखा रहा था तो मैं बार बार कह रहा हूं आपसे भी रेजोनेंस पढ़ लो, रेजोनेंस पढ़ लो, तो उसका एक रीजन है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो NO2 है, जो NO2 ग्रुप आपको दे रखा है, तो ये NO2 ग्रुप कभी भी कोई मीसोमेरिक इफेक्ट को कर रहा है, मीसोमेरिक और रेजोनेंस एक ही बात होती है, मैं आपको डिफरेंस बता देते क्या डिफरेंस होता है। तो मीसोमेरिक जो इफेक्ट है वो तभी काम करेगा जब NO2 और इस कार्बन का प्लेन, इस NO2 और कार्बन प्लेन क्या होगा सेम, क्योंकि रेजोनेंस मैंने कंडीशन बता दी थी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था रेजोनेंस होने के लिए कि सभी जो एटम्स जिनके बीच में रेजोनेंस हो रहा है वो एक प्लेन में होने चाहिए। तो आप देख भी रहे sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक ही प्लेन में आ जाएगा, ये भी कैसा sp2 हाइब्रिडाइज है तो एक ही प्लेन में आ जाएगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है?